हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज जो बात करने वाला हूँ वो क्या है? वो बात है लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर की। मैं आज सिखाने वाला हूँ लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, जो हमारे सिलेबस में है, क्लास 11th के सिलेबस में है। उसमें टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत बेसिक सब प्रिंसिपल्स होते हैं इसके। आप जब इसको समझेंगे, आप इसको जानेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें मैं बात करूँगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। बच्चों, मैं आपको इसमें ये सिखाने वाला हूँ कि मोमेंटम है क्या और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, और उसको न्यूटन के सेकेंड लॉ से और न्यूटन के थर्ड लॉ से कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें एक एक चीज सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो मोमेंटम को जान लेते हैं। बच्चों क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोमेंटम क्या है। चलिए, आपके पास आपके पास बच्चों एक बॉडी है, ठीक है ना। मोमेंटम क्या है इसको जान लेते हैं। क्या है, आपके पास एक बॉडी है और बॉडी का मास एम है बच्चों, है ना। और उसमें अगर वेलोसिटी वी है, वो वी वेलोसिटी से चल रही है, तो मोमेंटम को सिंपली डिफाइन कैसे किया जाता है बच्चों? पी इक्वल्स टू मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी। दिस इज मोमेंटम, है ना। बॉडी, और बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। बहुत सिंपल सी बात, पी इक्वल्स टू क्या? एम वी। खत्म। इतनी सी सिंपल सी बात समझ में आती है। और बच्चों, ये मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात भी समझ में आती है, कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों। मतलब कहने का ये है बच्चों कि किसी चीज में, किसी बॉडी में जो मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? फिक्स होता है। मेरा कहने का मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और कब फिक्स होता है बच्चों? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, वो सिस्टम आइसोलेटेड हो। कैसा हो? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, ठीक है ना। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले मैं आपको एक क्लियर करने वाला हूँ, कौन से रूल से? मैं पहले आपको एक क्लियर करूंगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। देखो मैं आपको बताता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों ये बोलता है कि जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वो बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बताता हूँ, डीपी बाई डीटी। इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपली ये क्या है? डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम। क्या है डीपी? चेंज इन मोमेंटम। किसके साथ? टाइम के साथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब क्या? टाइम के साथ मोमेंटम में क्या चेंज आया, वो इक्वल होता है फोर्स के। समझ रहे हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के बदलने का जो रेट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि उस फोर्स की वैल्यू क्या है जो किसी बॉडी पर लग रहा है। तो वो कह रहे हैं जो उसमें मोमेंटम के बदलने का रेट है, पहले जैसे मोमेंटम 3 था, है ना, और अब 8 हो गया, और ऐसा 1 सेकंड में हुआ, तो इसका मतलब कितना चेंज आया 1 सेकंड में? 8 - 3, यानी कि 5 का चेंज आया। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो मैं उसको बोलता हूँ ये उसकी फोर्स है, कि कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है, कितने टाइम में? 1 सेकंड में। वो क्या बताता है? फोर्स की वैल्यू। दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो अब हमें प्रूफ क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अरे बहुत आसान है, चलिए मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोलता हूँ, एक बॉडी है बच्चों, ठीक है ना, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पहला m1 मास का, दूसरा m2 मास का, तीसरा m3 मास का, है ना, इस तरीके से है नहीं आसान बहुत। चलिए अब क्या है, n पार्टिकल्स हैं इसमें। कितने पार्टिकल्स हैं बच्चों? n। सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, है ना। इसके पास v1 वेलोसिटी है चलने की, इसके पास v2 है, इसके पास v3 है, है ना। ये पूरा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बच्चों। पहला v1 वेलोसिटी से चलता है, जिसका मास m1 है। दूसरा m2 वाला जो है किससे चलता है बच्चों? v2 वेलोसिटी से। और m3 वाला किससे चलता है? v3 से। n पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। तो बच्चों एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्या हम क्या प्रूफ कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि क्या? मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये हमारा टॉपिक है। चलिए तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि टोटल मोमेंटम कितना होगा बच्चों, सारों का मिला के, पूरे सिस्टम का, m1 v1 m2 v2, है ना, और ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? n है, mn vn है कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात। अब एक बात बताइए, हमने सिस्टम कैसा लेना है? आइसोलेटेड।
हाँ जी, आइसोलेटेड का मतलब क्या बोला जल्दी से बताओ, जिसपे एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, है ना। कैसा सिस्टम है बच्चों, जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। तो इसका मतलब बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला अभी बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करना है। तो एक बात बताओ मुझे ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखिए क्या बोलता हूँ। एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही पूरी पूरे सिस्टम पे, तो फोर्स कितना बच्चों, जीरो। तो डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि डी पी इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, डी पी इक्वल्स टू क्या, जीरो। यानी कि चेंज इन मोमेंटम, डी पी मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, कितना आया, जीरो। यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि पी इक्वल्स टू, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, तो यानी कि मोमेंटम कैसा है, कॉन्स्टेंट है। यानी कि मोमेंटम कैसा है बच्चों, कॉन्स्टेंट है। तो हमने यही तो सीखा। और ये P क्या होता है, P होता है मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, है ना। जैसे एम वन वी वन किसका, पी वन, ये क्या है, कितने पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स है बच्चों। तो क्या है टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू, यही तो है सबका मोमेंटम। तो P की वैल्यू क्या है, सारा मोमेंटम, सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, ये कांस्टेंट आया जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। समझ गए, बहुत अच्छे से सीख लिया। क्या सीखा, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, तो यानी कि F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी होता है, ये इधर चला गया। फोर्स मैंने बोला आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जीरो होती है, यानी कि डी पी इक्वल्स टू जीरो, डी पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू जीरो, तो यानी कि पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और पी क्या है, पी पहले वाले का मोमेंटम प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, सारों का मोमेंटम, हर पार्टिकल का मोमेंटम, टोटल पी है। समझ गए, तो पी क्या है, कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। सीख गए। अब हम बच्चों यही चीज सीखने वाले हैं दोबारा से, क्या हम सीखने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन अब की बार मुझे यूज करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अभी किसका यूज किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका यूज करके बच्चों मैंने कहा आइसोलेटेड सिस्टम तो फोर्स जीरो, और ये इधर पहुंचाया तो डी पी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो, यानी कि मोमेंटम बराबर कॉन्स्टेंट। और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम तो क्या है, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, ये सारा ही तो मोमेंटम है। सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए इसको सिखाता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरीके से हम यहां पे प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, जानना है, पहचानना है, और इसमें मजबूती ऐसी लानी है कि आगे तक इस चीज को भूलेंगे नहीं। चलिए अब मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ से सिखाऊंगा क्या, मैं आपको सिखाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना है। आपके पास दो बॉडीज हैं, एक m1, ठीक है ना, इसकी स्पीड बच्चों दी हुई है u1, बहुत अच्छी बात। एक बॉडी और है बच्चों जिसकी मास m2 है और स्पीड उसकी u2 है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, u1 ज्यादा है, u1 क्या है बच्चों, ज्यादा, और u2 है कम, तो ये दोनों कोलाइड कर जाएंगी, है कि नहीं। तो ये दोनों कोलाइड कर गए, जब कोलाइड कर गई तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये m1 है कि नहीं, ये m2 एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आई, तो हुआ क्या, इसका नाम a था, इसका नाम b था, है कि नहीं। तो क्या होगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी, तो मैं लिखता हूं इधर को लगेगी फोर्स ऑन a ड्यू टू b, समझ गए। सिमिलरली किस पे लगेगी फोर्स, इसकी वजह से इस पे लगेगी, तो फोर्स ऑन b ड्यू टू a, समझ गए। ये कब हुआ है, ड्यूरिंग कुलिजन हुआ है, है ना, ये कब हुआ है बच्चों, ड्यूरिंग कुलिजन, है ना। और हुआ क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं, हुआ ये है, a ने b पे फोर्स लगाई एफ बी, b ने a पे फोर्स लगाई एफ ए बी, फोर्स ऑन a ड्यू टू b, समझ गए, इतनी सी बात समझनी थी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये है न्यूटन थर्ड लॉ लगाया ना, इससे इसकी वजह से इस पे फोर्स लगी, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगी, है कि नहीं। चलो इतनी बात सीखने के बाद बच्चों अब क्या हुआ, अब ये दोनों बोल जब टकरा गई, आफ्टर कोलिजन ये हुआ कि दोनों चलनी शुरू हो गई, किधर, मान लिया इधर को गई, ये v1 वेलोसिटी से इधर को गई,
ये वी टू वेलोसिटी से इधर को गई, ये वी वन वेलोसिटी से गई, ये वी टू से गई आफ्टर कोलिजन। यहां तक की बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अब मैं आपको यहां पे प्रूफ करके दिखा रहा हूं किस चीज का, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, यानी कि क्या, अब आपको पता लग जाएगा। चलिए एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करना है ना, तो एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स जो ए बी की वजह से ए पे लग रही है वो ये है ना, और जो ए की वजह से बी पे लग रही है वो ये है कि नहीं, तो दोनों क्या होंगी बच्चों, इक्वल होती है। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो बोलता है कि ये दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे बॉडी पे लगा रही हैं ये इक्वल होती हैं, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन और साथ में अपोजिट होती हैं, है ना, ये इधर को लगा तो वो फोर्स उधर को लगा, है कि नहीं, तो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। एक बच्चों मैंने आपको इम्पल्स सिखाया है, क्या सिखाया है, इम्पल्स, इम्पल्स कौन से वाले का, एफ ए बी का, एफ ए बी का जो इम्पल्स हुआ बच्चों, यानी कि जो इम्पल्स बना ए पे, इम्पैक्ट जो ए पे बना, क्या इम्पल्स ये होता है, इम्पल्स इक्वल्स टू बोलो क्या होता है, एफ इन टू टी, है ना, तो इम्पल्स कितना बनेगा, एफ ए बी इन टू डेल्टा टी, इम्पल्स का फॉर्मूला है ना एफ इन टू टी, डेल्टा टी समय के लिए ऐसा हुआ है कि नहीं, तो एफ ए बी डेल्टा टी, है ना। इम्पल्स का फॉर्मूला बच्चों ये भी तो होता है कि चेंज इन मोमेंटम, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम, किस में मोमेंटम में चेंज आया ये, किस पे लगी थी ये फोर्स, ए पे लगी थी ना, इस वाले केस के लिए किस पे लगी है फोर्स, ए पे, तो मोमेंटम में भी चेंज किसके आया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। आ गया, आज ही सब आ जाएगा, सीखते जाना मजा आ जाएगा। चलिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो बच्चों पहले वेलोसिटी ए वाले की यू वन थी, क्या थी, यू वन, कोलिजन के बाद क्या हो गई, वी वन, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया पहली बॉडी में, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर, बहुत अच्छी बात। इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना है, अगर मैं इम्पल्स निकालूं, इम्पल्स किसके लिए निकालूं, इम्पल्स बोलो, मैं निकालता हूं इम्पल्स ऑफ एफ बी ए, एफ बी ए मतलब जो फोर्स लग रही है किस पे, बी पे लग रही है, किसकी वजह से, ए की वजह से, तो इक्वल्स टू क्या होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम होता है, तो एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, है कि नहीं, समझ रहे हैं। चलो बराबर किसके, इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, तो चेंज मोमेंटम किस में आएगा, फोर्स किस पे लगी अब की बार, बी पे, तो मोमेंटम किस में चेंज आएगा, मोमेंटम में किसके चेंज आएगा, इस वाले के, है ना, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, है कि नहीं, बहुत अच्छी बात, जल्दी से समझ गए। अब क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी देखते हैं, पहले मोमेंटम वेलोसिटी कितनी थी, पहले यू टू, कोलिजन के बाद कितनी हो गई इसी बॉडी की, वी टू हो गई कि नहीं होगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा अब आपको एक बात बता दूं, आप बोलोगे जी आप तो ये बोल रहे थे कि मोमेंटम में चेंज ही नहीं आता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बच्चों मैं एक बात क्लियर कर दूं, वो पूरे सिस्टम के लिए मैं बोल रहा हूं। देखो ए में चेंज आया क्या, एम वन यू वन, अब क्या हो गया था कोलिजन के बाद, एम वन वी वन, तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, मोमेंटम में चेंज आया। दूसरी बॉडी में एम टू यू टू था पहले, अब क्या हो गया, एम टू वी टू, मोमेंटम में यहां भी चेंज आया। लेकिन बच्चों पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात करूं, यानी कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम दोनों बॉडीज का, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम दोनों बॉडीज का, वो कॉन्स्टेंट आना चाहिए, समझ रहे हैं। पहली बॉडी में हो सकता है मोमेंटम में चेंज आया हो सकता है दूसरी बॉडी में भी मोमेंटम में चेंज आया हो कोलिजन के बाद, लेकिन अगर मैं बात करूं कोलिजन से पहले वाले मोमेंटम की सारे की, वो ए वाले का प्लस बी वाले का, और बात करूं कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम की, ए वाले का प्लस बी वाले का, तो मोमेंटम जो आता है वो कंजर्व आता है, ये हम सीख रहे हैं। चलिए तो हमने ये दो इक्वेशन बना ली बच्चों, हमने न्यूटन थर्ड लॉ लेके चले थे, ये था न्यूटन थर्ड लॉ। अगर इस इक्वेशन में बच्चों दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अजी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर लेते हैं एफ ए बी इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई माइनस एफ बी ए इधर भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बच्चा। चलिए अगर नहीं पड़ेगा तो बालक एक बात बताओ, जब यहां पे
ये जो इक्वेशन है ये न्यूटन थर्ड लॉ की तो थी, ये न्यूटन थर्ड लॉ होता है ना, इसमें डेल्टा टी से मल्टीप्लाई की। एक बात बताओ यहाँ पे सुनो, ये एफ ए बी डेल्टा टी निकाला था ना इम्पल्स, और ये एफ बी ए डेल्टा टी है ना, दोनों वैल्यूज कैसी हैं? अभी देखो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, है कि नहीं? तो इनकी वैल्यूज इस वाले की और इस वाले की, क्या ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं? हाँ हैं। तो इनकी वैल्यूज लिखते हैं, चलिए पहले वाले की क्या है, इस वाले की बोलो, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन इक्वल्स टू, बच्चों क्या किसके इक्वल है? ये निगेटिव के इक्वल है, किसके? एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। चलिए मैं आपको और दोबारा से बता देता हूँ मैंने क्या लिखा बच्चों, ये इक्वेशन लिखी मैंने, ये एफ ए बी डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस का एफ बी ए डेल्टा टी, है कि नहीं? मैंने इक्वेशन लिखी, समझ रहे हैं कैसे लिखी? देख लीजिए, ये लिखी हुई न्यूटन थर्ड लॉ है ना, तो एफ ए बी डेल्टा टी ये रहा, एफ बी ए डेल्टा टी ये रहा, है ना, लिखा और इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो सिंपली अब क्या किया, अब सिंपली मैंने इसकी वैल्यू ये रही ये रख दी, इसकी वैल्यू इस वाले की ये रही ये रही, इसको यहाँ रख दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, बस अब क्या करना है, अब सोल्व करना है। चलिए सोल्व कर लेते हैं, एम वन वी वन एम वन यू वन, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस एम टू वी टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो एम टू यू टू, समझ में आई बात? अजी समझ गए। चलिए एक बात बताइए, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, इस वाले को अगर मैं इधर पहुंचा दूं और इस वाले को मैं इधर पहुंचा दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना है, M1 V1 है ना, ये इधर आ गया तो ये माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, M2 V2 है ना। मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनो, मैंने इस एक बार तो V वाली एक तरफ वैल्यू ले ली और U वाली एक तरफ ले ली। चलिए तो क्या होता है, ये होता है कि ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 U1, और पहले से क्या लिखा हुआ है, M2 U2, बस यही तो करना था, यही तो है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे देख लो, शुरुआत में बच्चों U1 वेलोसिटी थी पहले वाली की, है ना, तो उसका मोमेंटम M1 U1, शुरुआत में ही जब तक कोलिजन नहीं हुआ था दूसरे वाले की क्या थी, M2 U2, वेलोसिटी u2 और मोमेंटम m2 u2। तो ये जो मोमेंटम आया बिफोर कोलिजन था ये बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कैसे, ये पहली बॉडी का मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी पहली बॉडी की क्या हो चुकी थी, v1, है कि नहीं, तो m1 v1, और दूसरी बॉडी की आफ्टर कोलिजन क्या हो चुकी थी, m2 v2 हो चुका था मोमेंटम, तो m2 v2। तो ये मोमेंटम आया टोटल दोनों बॉडीज का आफ्टर कोलिजन, इक्वल आ रहा है किसके मोमेंटम, दोनों बॉडीज का बिफोर कोलिजन। हो सकता है पहले बॉडी में मोमेंटम में चेंज आया हो सकता है दूसरी बॉडी में भी मोमेंटम में चेंज आया हो आफ्टर कोलिजन, लेकिन दोनों बॉडीज का मिला के मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, यानी कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, बच्चों क्या आया है, कंजर्व आया है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, ये बात समझनी है। सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। आप बोलोगे जी ये कौन सी फोर्स है, ये बच्चों इंटरनल फोर्स है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, समझ गए, समझ गए। तो हमने सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ से कैसे प्रूफ किया जा सकता है। याद रखना है जनरल इक्वेशन लेके चलो, ये जनरल इक्वेशन है न्यूटन थर्ड लॉ की, ए पे फोर्स लगा बी की वजह से, बी पे फोर्स लगा ए की वजह से, निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि उल्टे हैं, है ना। चलिए फिर मैंने बोला कि इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, इम्पल्स जो ए पे लगा, इम्पल्स जो ए पे लगा क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, और दूसरा इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम। जब ए पे फोर्स लगा था तो चेंज मोमेंटम में ए में आया होगा तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए लिख दिया। सिमिलरली मैंने बोला क्या, मैंने बोला इम्पल्स बी ए की निकालो, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू टाइम बराबर किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स किस पे लगी थी अब की बार, बी पे, तो मोमेंटम में किसके चेंज आया, बी के, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। मैंने बोला ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, न्यूटन थर्ड लॉ का यूज़ किया, दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई की, बहुत अच्छी बात, और ये वाली वैल्यू की जो वैल्यू है वो रखी, और इसकी जो वैल्यू है वो रखी इस इक्वेशन में, ए न्यूटन थर्ड लॉ वाली इक्वेशन में, ये वाली, है कि नहीं। और बस इसको सोल्व किया, मैंने बोला
कि आपको क्या करना है, यू वाले टर्म से एक साथ, वी वाली एक साथ, तो देखा कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम दोनों बॉडीज का और आफ्टर कोलिजन सेम आ गया, हो गया खत्म। सीख लिया, जान लिया, पहचान लिया। अब अगली वीडियो में बात करूंगा किस चीज की, मैं अब आपको उल्टा लेके चलूंगा। कैसे? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे प्रूफ होता है। अभी क्या किया न्यूटन थर्ड लॉ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ किया। समझ गए? अरे बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे, एक एक चीज बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत सिंपल सी चीज, मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ करूंगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है जितनी फोर्स इस बॉडी ने इस पे लगाई है, जिसका नाम ए बी है, वो बराबर होती है किसके, जितनी फोर्स इस बॉडी ने इस पे लगाई है जिसका नाम एफ बी है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं। ये बात मुझे प्रूफ करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बात बताइए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले वाली बॉडी का जो मोमेंटम रहा होगा क्या वो एम वन यू वन रहा होगा, है कि नहीं, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो गई उसकी स्पीड, वी वन हो गई थी, तो अब क्या उसका मोमेंटम, तो अब क्या उसी बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एम वन वी वन हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है मोमेंटम में चेंज आया है, है ना, मोमेंटम में कितना चेंज आया है बच्चों, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, पहली बॉडी में इतना चेंज आया। इस मोमेंटम को एक नाम दे दिया डेल्टा पी वन, डेल्टा मतलब चेंज इन मोमेंटम, किसमें, पहली बॉडी में, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। चलो जी, सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करूं दूसरी बॉडी की, तो उसका मोमेंटम शुरुआत में एम टू यू टू रहा था क्योंकि स्पीड यू टू थी। आफ्टर कोलिजन बच्चों क्या हो गया बता दो जल्दी से, देखते एम टू वी टू हो गया, ऐसे ही था क्या, अरे ऐसे ही था क्या, हाँ ऐसे ही तो था। चलो इसका मतलब चेंज कितना आया, चेंज कितना आया बच्चों, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, है कि नहीं, इतना चेंज आया, बहुत अच्छी बात। इस चेंज इन मोमेंटम को जो दूसरी बॉडी में आया आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, नाम दे देते हैं डेल्टा पी टू। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसका यूज किया, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, लो जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है बच्चों, हो सकता है पहली बॉडी में चेंज आया हो सकता है दूसरी बॉडी में भी चेंज आया हो आफ्टर कोलिजन, लेकिन ओवरऑल चेंज कितना आया मोमेंटम में, यानी कि पहली बॉडी में चेंज प्लस दूसरी बॉडी में चेंज, ओवरऑल दोनों का मिला के कितना चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन था दोनों बॉडीज का, उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है दोनों बॉडीज का, यानी कि पहली में चेंज प्लस दूसरी में चेंज, ओवरऑल चेंज कितना होता है बता दो जल्दी से, अरे जीरो ही तो होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पहले में प्लस चेंज इन मोमेंटम दूसरे में, और टोटल मोमेंटम में चेंज जीरो, है कि नहीं, तो इतना। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा पी वन इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा पी टू, है कि नहीं, ये इधर चला गया। चलो अगर मैं बच्चों पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा कुछ घट जाएगा क्या, नहीं कुछ भी नहीं। तो चलो डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड किया, डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा टी, यहां पे भी क्या किया, डेल्टा पी टू अपॉन डेल्टा टी, है कि नहीं। और आपको एक बात पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, एफ इक्वल्स टू होता था डी पी बाई डी टी, है ना, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टाइम के साथ मोमेंटम में क्या चेंज आता है। क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एक ही मतलब है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है फोर्स बनाए, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट वाले में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ यही तो होता है कि नहीं, तो ये फोर्स है, यहाँ वन लिखा हुआ है, यानी कि मोमेंटम में किसके चेंज आया, फर्स्ट बॉडी में, है ना, फर्स्ट बॉडी में, तो फोर्स किस पे लगी है, ए पे ही तो लगी है, इसी में तो चेंज आया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। चलिए तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, एफ ए बी इसकी जगह, समझ गए, हाँ समझ गए। अब इधर आ जाओ, डेल्टा पी टू बाई डेल्टा टी का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम बी में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां पे जो फोर्स लगी है सेकेंड बॉडी पे लगी है, यानी कि बी पे लगी है, किसकी वजह से लगी होगी, ए की वजह से। तो क्या मैं डेल्टा पी टू अपॉन डेल्टा टी को एफ बी ए लिख लूं,
है कि नहीं, और बाहर माइनस भी लिखा हुआ है। ये ऐसे, क्या यही चीज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता था? फोर्स जो ए पे लग रही है इक्वल है जो फोर्स बी पे लग रही है, और दोनों अपोजिट है, तो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या प्रूफ कर रहे थे? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने देखा कि पहले में चेंज डेल्टा पी वन, दूसरी बॉडी में चेंज डेल्टा पी टू आफ्टर कोलिजन, लेकिन दोनों का चेंज मिला के कितना ओवरऑल चेंज कितना आता है बॉडी में बताओ? कितना? जीरो। तो जीरो के इक्वल रखा, इसको इधर पहुंचाया, डेल्टा टी से डिवाइड किया, ये फोर्स होती है, पहली बॉडी की फोर्स एफ ए बी, दूसरी बॉडी की फोर्स एफ बी ए, माइनस का साइन, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए, जान गए, मजा आ गया। इस तरीके से ही आगे बढ़ते जाना है, एक एक चीज को सीखते जाना है। तो अब सीखने वाले हैं क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। क्या नाम है? रिकॉइल ऑफ ए गन। आपने देखा है ना, जब किसी को आपने देखा है जो सोल्जर्स होते हैं, या खुद भी आपने देखा है कि जब आप गन से फायर करते हैं, है ना, गन से फायर करने पे होता क्या है, गन से फायर करने पे एकदम से पीछे की तरफ कुछ झटका लगता है, है ना, रिकॉइल होता है ना, रिकॉइल का मतलब पीछे की तरफ को ऐसे झटका लगना। क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखेंगे। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, आपके पास ये एक गन है, ठीक है, और इसमें ये बुलेट है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन, यानी कि जब तक आपने फायरिंग नहीं की, बिफोर फायरिंग, जब आपने फायरिंग नहीं की बच्चों, उस टाइम पे मान लो मास ऑफ गन क्या है, कैपिटल एम, बुलेट का मास स्मॉल एम, तो बिफोर फायरिंग बच्चों गन भी रेस्ट पे, बुलेट भी रेस्ट पे, तो यानी कि एम इंटू जीरो, पहले का मोमेंटम गन का मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या, एम इंटू जीरो, ये भी टोटल कितना हो गया, टोटल ये जीरो, क्योंकि बिफोर फायरिंग ये भी रेस्ट पे थी, ये भी रेस्ट पे थी। चलो आफ्टर फायरिंग ऐसा क्या हुआ, चलिए अब देखते हैं झटका क्यों लगा हमें, आफ्टर फायरिंग ऐसा क्या हुआ, ध्यान से सुनना है। सपोज करते हैं वेलोसिटी जो गन की है आफ्टर फायरिंग कैपिटल वी हो गई, और आपने बुलेट कैसे फायर किया, आगे की तरफ को किस स्पीड से, वी से, तो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या बना, ध्यान से सुनना है, एम इंटू कैपिटल वी, गन की वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग, गन में वेलोसिटी आएगी ना, झटका लगेगा ना पीछे को, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ वो पीछे की तरफ क्यों लगता है। चलिए प्लस कितना बोलो, एम वी, ये मोमेंटम आया आफ्टर कोलिजन, किसका, गन प्लस बुलेट दोनों का मिला के, है ना। अच्छा आफ्टर कोलिजन बोल लो या फिर आफ्टर फायरिंग बोल लो, ठीक है ना। अच्छा बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग मोमेंटम शुड बी कंजर्व, तो यानी कि जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, एम वी एम इंटू वी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिकॉइल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, यही तो है गन की वेलोसिटी जो आफ्टर फायरिंग आई, झटका लगा जो पीछे को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एम वी इधर पहुंचा दिया इक्वल्स टू एम छोटा वी, क्या निकालना है, कैपिटल वी, कैपिटल वी इक्वल्स टू ये माइनस उधर चला गया, माइनस का एम वी अपॉन, बोलो बच्चों, कैपिटल एम। ये आपके पास फॉर्मूला आया किसका, रिकॉइल वेलोसिटी का, कैसे आई, माइनस में, माइनस मतलब झटका कहाँ लग रहा है, पीछे को, ठीक है ना। तो आपको ये एडवाइस दी जाती है, सोल्जर्स को ये एडवाइस दी जाती है कि वो जब भी फायरिंग करें, देखा भी होगा आपने, शोल्डर पे अपने जो है गन को रख के तब फायर करें। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप मास बढ़ा दें तो वेलोसिटी का क्या होगा, मास बढ़ा दें तो वेलोसिटी का क्या होगा, मास जितना ज़्यादा डेनोमिनेटर उतना ज़्यादा, तो वेलोसिटी उतनी कम, तो झटका आपको कम लगेगा। तो ऐसा कैसे किया जाए, अगर मैंने शोल्डर पे बंदूक रख दी तो अब पता है एक पूरा मास मेरे साथ ऐड हो गया गन के साथ, किसका, मेरा मास प्लस गन का, क्योंकि हम एक ही बॉडी हो गए अब, ऐसा मान सकते हैं। गन आपने यहाँ रखी, जैसे आपने गन फायर की यहाँ रख के, तो हुआ क्या, हुआ ये आपका मास प्लस गन का मास, बहुत ज़्यादा मास हो गया, मास दोनों का हो गया, ठीक है ना। इतना सारा मास होने से रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो गई, कम, तो झटका लगने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस कम रहेंगे। डायरेक्ट छुटाएंगे तो सिर्फ किसका मास है आपके पास, गन का मास है, तो मास कम होता है गन का, है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा आएगी, है ना, तो झटका पीछे को तेज लगेगा, है ना। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट के साथ गन को छुटाना चाहिए, है ना, गन को फायर करना चाहिए सपोर्ट के साथ, क्योंकि मास अब कंबाइन मास हो जाएगा। अगर मैं शोल्डर पे रख के छुटाता हूँ या किसी सपोर्ट से छुटाता हूँ, तो गन प्लस उस सपोर्ट का मास हो जाएगा, मास ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझ गए, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।